अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग भी खैरियत से होंगे। जनाब, आज की वीडियो 2021 का एंड हो रहा है और मैंने लास्ट टाइम भी एक वीडियो पोस्ट की थी जिसमें मैं 2020 की फाउंडेशंस आप लोगों के साथ शेयर की थी। तो सोचा व्हाई नॉट 2021 की भी अपनी फेवरेट फाउंडेशंस और 100% रिकमेंडेड फाउंडेशंस आप लोगों के साथ शेयर करूं। आज मैंने ये वीडियो बना ली। इन सारी फाउंडेशंस का डिटेल रिव्यू मेरे चैनल पे आप लोग देख सकते हो। हर फाउंडेशन को मैंने इन डेप्थ में जो है वो रिव्यू किया हुआ है। अगर आप लोगों के किसी भी फाउंडेशन के बारे में जानना है तो आप लोग मेरी वो वीडियोस देख लो। ओके, अब वीडियो अपनी शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेक श्योर सब्सक्राइब टू माई चैनल, हिट द नोटिफिकेशन बेल और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलिएगा। आपको जिस लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। प्लस वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना आपने नहीं भूलना। ओके, वीडियो शुरू करते हैं। जनाब, 2021 की मेरी फेवरेट, मैं मतलब हर बंदे की अपनी अपनी चॉइस है, वो टॉप फाउंडेशंस जो मैं सबको रिकमेंड करती हूँ, चाहे वो ऑयली स्किन वाली हैं चाहे वो ड्राई स्किन वाली हैं, मतलब मेरी जो फेवरेट फाउंडेशंस हैं जिनके बारे में मैं कहती हूँ कि मतलब बेस्ट टेस्ट फाउंडेशन है, इनके अलावा अच्छी फाउंडेशंस अभी तक मुझे नज़र नहीं आई। मैं वो उनके बारे में जो है ना वो आज थोड़ी सी बात करना चाह रही हूँ। ओके, सबसे पहले हम बात करते हैं डेली वेयर फाउंडेशन की, मतलब आपकी गो टू फाउंडेशंस में कौन सी अच्छी फाउंडेशंस हैं जो आप यूज़ कर सकते हो। सबसे पहले जो मैं फाउंडेशन है वो नाम लूँगी ब्यूटीफाई बाय आमना की रेडियंट फाउंडेशन और उनकी लुमिनस फाउंडेशन। ठीक है, दोनों की कंसिस्टेंसी जो है वो थिन है काफ़ी, आपकी डेली वेयर के लिए बेस्ट फाउंडेशंस हैं। जिन लड़कियों की स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है वो उनकी ये रेडिएंट मैट वेयर फाउंडेशन इस्तेमाल करें, और जिन लड़कियों की स्किन जो है वो ड्राई है, वो थोड़ा सा ग्लोई, बल्कि कोई भी अगर ग्लोई लुक चाह रहा है, ग्लोई फाउंडेशन चाह रहा है, ड्यूई फिनिश चाह रहा है, तो वो उनकी लुमिनस फाउंडेशन इस्तेमाल करें। वन ऑफ द बेस्ट फाउंडेशन दैट आई एवर रिकमेंड टू यू गर्ल्स। दूसरा ये कि बहुत रीज़नेबल है, मतलब 1050 की ये है, 1040 की ये मिल जाएगी आपको, आसान मतलब सस्ती तरीन है, इतनी तो महंगी है ही नहीं, और इतनी कम प्राइस में आप लोगों को अगर इतनी अच्छी चीज़ें जो हैं वो मिल रही हैं तो आई डोंट थिंक दैट कि आप लोगों को इसको मिस करना चाहिए या आप लोगों को इसको जो है वो स्किप करना चाहिए। और लाइट टू मीडियम कवरेज है, बिल्डेवर कवरेज है, सो बेस्ट फाउंडेशन फॉर डेली वेयर। ओके ओके जी, नेक्स्ट फाउंडेशन अगर डेली वेयर के लिए मैंने आपको सजेस्ट कर दिया, अब एक और फाउंडेशन है जो मैं डेली वेयर के लिए आप लोगों को सजेस्ट करूंगी, वो है सेफायर। यस, सेफायर की फाउंडेशन है। अच्छा, शेड्स मैं आप लोगों को साथ साथ सॉरी बताती जाती हूँ। मेरे पास जो है वो ब्यूटीफाई बाय आमना का जो दोनों फाउंडेशंस हैं उनमें मेरे दोनों के जो शेड्स हैं वो 01 फेयर हैं। ठीक है, दोनों के शेड सेम है, 01 फेयर शेड में मेरे पास ये अवेलेबल है। और उसके बाद जो थर्ड वन फाउंडेशन मैं रिकमेंड करूँगी वो सेफायर ब्रांड की है। इसमें मेरे पास जो शेड है वो ये यहाँ पे मेंशन है, और ये पता नहीं फोकस नहीं हो रहा, वनीला। इनमें 6-7 शेड जब मतलब मैंने ली थी तब तो टोटल 3 शेड्स थे, अब तो आई थिंक इन्होंने कोई 6-7 ऐड कर ही लिए हैं जो हैं वो शेड्स। मैं इनके इन सब के जो हैं वीडियोस जो मैंने डिटेल में किए हैं उनके लिंक्स भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, और ये जहाँ जहाँ से मैंने बाय की हैं वो सारे लिंक्स भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक किया करें। 30 ml इसमें आपको इन सारी फाउंडेशंस की जो क्वांटिटी है वो 30 ml ऑफकोर्स जो नॉर्मल होती है वो मिलेगी। अच्छा, इस फाउंडेशन की बात करें, इसकी जो पैकिंग है इंतहाई बकवास है, मतलब बहुत रफ पैकिंग है इसकी। मतलब ये देख लें आप लोग, मैंने आप लोगों से वीडियो में भी डिस्कस किया था, पैकिंग इसकी बिल्कुल अच्छी नहीं, लेकिन डेली वेयर के लिए ये बहुत अच्छी फाउंडेशन है। मतलब बहुत लाइट कवरेज आपको देती है, बिल्डेबल कवरेज, वही बात आ गई, लाइट सी कवरेज आपको देती है, बट आपकी स्किन को एक फ्लॉलेस सी जो है वो लुक देती है ये फाउंडेशन। और ये बहुत स्किन के लिए, ऑयली गर्ल्स भी इसको इस्तेमाल कर सकती हैं और ड्राई स्किन गर्ल भी इसको यूज़ कर सकती हैं, लेकिन ड्राई स्किन वालों के लिए हो सकता है ये थोड़ी सी फाउंडेशन जो है वो लाइक ड्राइनेस फील करे, तो ड्राई स्किन वालियाँ जो हैं अपनी स्किन को अच्छे से प्रेप कर लें देन उसके बाद यूज़ करें। लेकिन ये अच्छी है, मतलब डेली वेयर के लिए बहुत अच्छी फाउंडेशन है। और प्राइस इसकी जो है वो जो मैंने बाई की थी वो 2700 समथिंग की जो है वो मुझे पड़ गई थी ये डिलीवरी आई थिंक डाल के, सो दिस इज़ आल्सो रिकमेंडेड। और ओके, उसके बाद बात करते हैं आप लोगों की, ये तो होगी डेली वेयर की, जो लड़कियां यूनिवर्सिटी गोइंग हैं और वो लाइक कॉलेज गोइंग गर्ल्स हैं वो डेली वेयर के लिए ये 3 फाउंडेशंस मेरी तरफ से
रिकमेंडेड हैं, ठीक है। देख लो आप लोग डेली वेयर फाउंडेशंस, ये तीन जो हैं वो मेरी तरफ से रिकमेंडेड फाउंडेशंस हैं, ठीक है। उसके बाद अब बात आती है जनाब थोड़े सारा ज़रा पार्टी की, ठीक है। लाइक पार्टी टाइप मेकअप आपको चाहिए, पार्टी पे जा रहे हो, किसी बर्थडे पे जा रहे हो, तो जो है वो आपको कौन सी फाउंडेशन उसके लिए बेस्ट रहेगी। सो द फेमस फाउंडेशन रिदा जैन की लाइफ लाइक फाउंडेशन, वन ऑफ द बेस्ट फाउंडेशन। इतना इसका अमेजिंग फार्मूला है, बहुत फ्लॉलेस आपको लुक देती है। मेरे पास जो इसका शेड है वो है यस 04। इसमें टोटल आपको 8 शेड्स मिल जाएंगे, 8 शेड्स अवेलेबल हैं उनके पास। लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप लोग अपने शेड्स जो हैं वो देख लीजिएगा, सेलेक्ट कर लीजिएगा। बहुत अच्छी फाउंडेशन है, ठीक है। और दूसरा ये कि इसकी जो कवरेज है वो मतलब मीडियम टू फुल कवरेज फाउंडेशन है, मीडियम सी कवरेज है इसकी, लेकिन अगर आप इसकी और लेयर लगाते हो तो ये फुल कवरेज फाउंडेशन बन जाती है। और इसकी बहुत प्यारी फिनिश है, और मज़े की बात ये फाउंडेशन रिदा जैन की ड्राई स्किन गर्ल्स भी यूज़ कर सकती हैं और ऑयली स्किन गर्ल्स भी यूज़ कर सकते हैं विदाउट एनी मसला। सो रिकमेंडेड 100% ये फाउंडेशन गर्ल। दूसरी फाउंडेशन माई मोस्ट 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 फेवरेट फाउंडेशन, लॉरियल इन्फेलेबल 24 फ्रेश वेयर फाउंडेशन इन शेड 15 पोर्सलिन। इसमें मेरा शेड है और ये बिल्कुल ख़त्म होने वाली है, ये सिर्फ इतनी सी रह गई हुई है, ठीक है। और 30 ml इसमें अगेन आपको प्रोडक्ट मिलेगी, वन ऑफ द बेस्ट फाउंडेशन। इसकी कवरेज जो है ये मैट फिनिश आपको देती है, तो ऑयली स्किन वालों के लिए बहुत अच्छी रहेगी। ड्राई स्किन वालियाँ भी यूज़ कर सकती हैं, बट आप लोगों को पता ही है ड्राई स्किन वालियों ने फाउंडेशन कैसे यूज़ करनी होती है। मुझे बहुत सी लड़कियाँ कमेंट करके पूछ रही होती हैं कि हमारी स्किन ड्राई है, हम अपनी फाउंडेशन को लॉन्ग लास्टिंग फ्लॉलेस कैसे बनाएं। सो उस पर भी एक वीडियो इंशाल्लाह मैं ज़रूर जो है वो पोस्ट करूँगी कि ऑयली स्किन वाली अपनी बेस कैसे बनाएं और ड्राई स्किन वाली कैसे बनाएं बेस। बस फॉर द नाउ टाइम बिंग आप लोग इस जरा थोड़ा फाउंडेशन पे थोड़ा फोकस करें। सो दिस इज़ द बेस्ट फाउंडेशन, मैट फिनिश है इसकी और फुल कवरेज है इसकी, मतलब जो फाउंडेशन है मतलब मीडियम टू फुल कवरेज है रिदा जैन की तरह, लेकिन बहुत खूबसूरत और फ्लॉलेस सी जो है आपके फेस पे जो है वो लुक्स ही आपको प्रोवाइड करती है। दिस इज़ एन अमेजिंग अमेजिंग 100% रिकमेंडेड। सो ये दो फाउंडेशंस हो गई। ओके, अब बारी आती है ब्राइड्स की, जो टू बी ब्राइड्स हैं या जो ब्राइड्स बन चुकी हैं, या फिर ये है कि वो अपने लिए मतलब ये शादियों के लिए व्हाटसोएवर काइंड ऑफ मतलब ब्राइड। वैसे ये सारी फाउंडेशन हर कोई यूज़ कर सकता है, मैं इसमें कोई वो कैटेगराइज नहीं बना रही, लेकिन जो मुझे फाउंडेशन जिस चीज़ के हिसाब से सूट कर रही है, मतलब मुझे लग रहा है कि ठीक रहेगी, मैं वो रिकमेंड कर रही हूँ उसके अकॉर्डिंग, बाकी चॉइस इज़ योर्स। ओके, उसके लिए मैं आप लोगों को तीन फाउंडेशंस रिकमेंड करती हूँ। सबसे पहले माय फेवरेट फाउंडेशन, मोस्ट फेवरेट फाउंडेशन, काशीस की इवन टोन हाई कवरेज फाउंडेशन। इसमें मेरे पास शेड 05 है, 13 शेड भी अवेलेबल है, और इनका एक इसका नाम है प्योर आइवरी, और एक और शेड मेरे पास इनका पड़ा है 13 पैशनेट, और एक और शेड मैंने इनका ऑर्डर किया है वो 04 है, पोर्सलिन पिंक अंडरटोन में है। सो क्योंकि मेरे फेस पे ज़्यादा पिंक अंडरटोन फाउंडेशन सूट करती हैं, येलो अंडरटोन नहीं सूट करती। तो और आप लोगों को भी पता होना चाहिए कि आपकी स्किन पे कौन से जो है वो कलर की फाउंडेशन जो है वो सूट करती है, ठीक है। काशीज़ की फाउंडेशन वन ऑफ द बेस्ट फाउंडेशन, इसकी महल से दो वीडियोस मेरे चैनल पर मौजूद हैं, डिटेल में मैंने इनकी जो है ना वो रिव्यू किया हुआ है। इसमें आपको 14 शेड्स अवेलेबल हैं, ठीक है। आप लोग अपनी स्किन के हिसाब से जो है वो सेट करो, मतलब चूज़ करो। प्राइस इसकी 2500 है और वन ऑफ द बेस्ट फाउंडेशन। कंसिस्टेंसी इसकी थिन है लेकिन फुल कवरेज फाउंडेशन, लॉन्ग लास्टिंग, स्वेट प्रूफ, वाटर प्रूफ, एवरीथिंग प्रूफ फाउंडेशन। और हाँ, लिटिल बिट ऑक्सीडाइज होती है, लेकिन इतनी नहीं कि मतलब बिल्कुल ही रंग काला हो जाए। सो ये कि मुझे अक्सर बहुत सी लड़कियाँ मुझे MM सिल्क के बारे में पूछती हैं, मेरी चैनल पे उसका रिव्यू भी है, लेकिन MM सिल्क की नस्बत मैंने वो भी टेस्ट की हुई है, यूज़ की हुई है, उसकी नस्बत अगर मैं फाउंडेशन रिकमेंड करूँ तो वो काशीज़ की रिकमेंड करूँगी, क्योंकि उसकी नस्बत ये ज़्यादा बेस्ट है। वो 3000 की फाउंडेशन है, ये 2500 की, और ये उससे ज़्यादा अच्छी है, मतलब बेस्ट एवर फाउंडेशन। ब्राइड्स के लिए ये फाउंडेशन टॉप है। ब्राइडर्स अगर चाह रही है ना कि उनका मेकअप जो है वो कुछ 16 घंटे चले, तो ये फाउंडेशन यूज़ करें, वन ऑफ द बेस्ट। आप लोगों की ब्राइडल किट में ये फाउंडेशन होनी चाहिए। सो 1000 times रिकमेंडेड दिस फाउंडेशन। कुछ लड़कियां कह रही थी कि हमें ये फाउंडेशन यूज़ करके एक्नी का मसला हुआ, तो वो मुझे नहीं पता, बिकॉज मुझे अभी तक ऐसा कोई इशू नहीं हुआ। हो सकता है कईयों की सेंसिटिव स्किन हो, तो आप लोग अपनी स्किन सेंसिटिविटी के हिसाब से चीज़ इस्तेमाल करें। ओके, उसके बाद नंबर टू फाउंडेशन, माई फेवरेट ब्रांड,
एंड माई हार्ट फेवरेट फाउंडेशन, दिस इज़ अ फोकोलेयर की फुल कवरेज मैट फाउंडेशन। इसमें मेरा शेड है 01 पर्ल और मैंने इसका एक बैकअप ऑलरेडी अपने पास लेके रखा हुआ है कि कहीं पे ये उड़ा ना दें या ख़त्म ना कर दें। बेस्ट फाउंडेशन है, इसमें भी आपको टोटल 8-9 शेड्स अवेलेबल हैं और ये मतलब उनकी अगर ऑफिशियल वेबसाइट से लो तो काफ़ी कॉस्टली है। मैंने फोकोलेयर के मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स दराज से ऑर्डर किए हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर ये आपको सस्ती 1000 तक की ये आपको पड़ जाएगी। अच्छा सॉरी, इसका बताना मैं भूल गई, ये 3000 की मुझे विद डिलीवरी चार्जेस लॉरियल की फाउंडेशन पड़ गई थी। ओके अच्छा जी, इसकी बात करें कि आपको बिल्कुल मैट फिनिश प्रोवाइड करती है, बिल्कुल मैट लुक देती है। सो ऑयली गर्ल्स की तो मौजें हो गई। और दूसरा ये कि इन डेप्थ आपने इसका रिव्यू मेरे चैनल पे मौजूद है, आप लोगों ने देख लेना, आप लोग जाके लिंक भी आप लोगों को मिल जाएगा। दूसरा ये कि ये फाउंडेशन फुल कवरेज फाउंडेशन है, फुल मीन फुल। आप इसको कम करके भी लगा सकते हो, लेकिन देखो कम ज़्यादा करना वो आपके हाथ पे है, ठीक है। चीज़ को कम को किस तरह इस्तेमाल करना है, ज़्यादा कैसे करना है, दिस टोटली डिपेंड्स अपॉन यू। बट ये फुल कवरेज फाउंडेशन है, इट्स वाटर प्रूफ फाउंडेशन एंड स्वेट प्रूफ, क्योंकि मेरे फेस पे ये कहीं इधर से उधर नहीं हुई। बेस्ट 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 फाउंडेशन, ब्राइड्स के लिए बहुत अच्छी है और 100% रिकमेंडेड। ओके लास्ट बट नॉट लीस्ट, ब्लिंग बाय नादिया हुसैन की पम्पेटिव फाउंडेशन। इन सारी फाउंडेशंस में ये फाउंडेशन, इसमें आपको 60 ml की जो है वो क्वांटिटी मिलती है, जो कि सबसे ज़्यादा। ये सारी 30 वाली बेचारी लेटी हुई है, ये 60 वाली है, यानी कि डबल क्वांटिटी है इसमें। 100% फुल कवरेज फाउंडेशन है और 100% रिकमेंडेड है, और ऑफ कोर्स वाटर प्रूफ स्वेट प्रूफ है और बहुत अच्छी और बड़ी खूबसूरत सा। और ये भी ऑल स्किन टाइप के लिए है, ऑयली भी यूज़ करें, ड्राई स्किन वालियाँ भी यूज़ करें। और इसकी प्राइस आई थिंक 2500, यस 2500 की 2200, आई एम नॉट श्योर 2200 एंड 2500 में कोई मसला है। आप लोग यार वो इनकी पेज पे जाके आप लोग देख लेना। सो दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट, बहुत नुनी मुनी सी काशिश की तरह भी, बहुत हल्की सी ये ऑक्सीडाइज होती है, लेकिन कवरेज इज़ अमेजिंग। इसमें आपको टोटल 10 शेड्स अवेलेबल हैं, आप लोग जाके चेक कर लेना, अपने हिसाब से ले लेना। मेरे पास जो इसका शेड है वो 01 सुपर वुमेन शेड है, बिकॉज आई एम सुपर वुमेन। सो वन ऑफ द बेस्ट फाउंडेशन ब्राइड्स के लिए, 100% रिकमेंडेड। सो जनाब, मेरी 2021 की साल की जो फाउंडेशंस बेस्ट हैं, जो 100% रिकमेंडेड हैं, वो ये सारी हैं, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 टोटल 8 फाउंडेशंस हैं जो कि मैं आप लोगों को रिकमेंड कर रही हूँ। किस किस ओकेजन पे कौन कौन सी आपके पास होनी चाहिए, मतलब ऑफ कोर्स आई एम अ ब्यूटी ब्लॉगर, आई एम अ मेकअप आर्टिस्ट, मेरे पास इतनी फाउंडेशन समझ में आती हैं, लेकिन आप लोग अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग, अपनी स्किन के अकॉर्डिंग, अपनी सूटेबिलिटी के अकॉर्डिंग, आप लोग इनमें से जो भी फाउंडेशंस लेंगी वो आपकी अपनी ज़ाती चॉइस होगी, और आप उसे बगैर किसी खौफ के फिक्र के इस्तेमाल करें। यू विल लव इट, क्योंकि ये 100% ये सारी फाउंडेशंस मैं रिकमेंड कर रही हूँ। सो मेरे पास इतनी फाउंडेशंस का होना इट्स नेचुरल, क्योंकि मेरा काम है, मेरा जॉब है। सो दैट ये कि आप लोगों को इनमें से जो फाउंडेशन अच्छी लगे आप लोग ख़रीद सकते हो, और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना आप लोगों का एक्सपीरियंस कैसा रहा। सो किसी किस्म की भी कोई क्यूरी हो या आप लोगों का कोई भी सवाल हो, मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर लो, उसका हैंडल भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या मुझे कमेंट करके पूछ लो, आई विल बी देयर फॉर यू गर्ल्स। और अपना बेहद ख्याल रखो, मैं इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।